हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षाज बुटिक्स। में आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्लीव डिज़ाइन, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने देखी फैब्रिक को, मतलब जितनी आस्तीन रखनी है मुझे, मैंने देखी स्लीव की जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 10 इंच की। ठीक है, जो स्लीव लेंथ है उसको हमने लेना है 10 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको स्लीव लेंथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 लिया है और आर्म होल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 8 इंच के लिया है। ठीक है, जितनी मुझे बाजू का जो चाहिए वो मेरा 5.5 है और एक्स्ट्रा 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा है। ठीक है, बिल्कुल जैसे सिंपल स्लीव डिज़ाइन हम कटिंग करते हैं वैसे ही आपको सबसे पहले निशान इस तरीके के लगा लेने। उसके बाद में हमें क्या करना है, 6 से 7 इंच तक कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से कर्व बनाते हुए आपको कटिंग करनी है। ठीक है, ऊपर से हमें ध्यान रखना है कि 3 इंच का ही कपड़ा जो है होना चाहिए गुलाई में। ठीक है, और इस तरीके से मार्क करते हुए आप कट कर दें। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो हमने कटिंग कर ली है, अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमारे आर्म होल हैं वहाँ पे इस तरीके से कट्स लगाने हैं। ठीक है, और बीच में भी एक कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद में अब हम इसमें लाइनिंग फैब्रिक को ऐड करेंगे। ठीक है, अपना लाइनिंग है मेरे आस्तीन में जो थी पाइपिंग बनी हुई थी, तो इस वजह से मैंने पाइपिंग को पहले ही इसमें जोड़ लिया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए कितने सुंदर से पाइपिंग हमारी आई है और इस तरीके से पूरे जो फैब्रिक है उसको मैंने अच्छे से ऐड कर लिया है। और इस तरीके से ऐड करने के बाद में अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है फैब्रिक, इसको हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिए इस प्रकार से। और जो हमने कट्स लगाए हुए थे दोनों साइड में, हम उन पर एक बार से और निशान लगा लेंगे। क्या है ना, हमने लाइनिंग फैब्रिक को बाद में जोड़ा है तो जो कट्स थे हमारे वो छुप गए थे, तो इस वजह से हमने फिर से निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है, अपने साइड में ही अपनी डायरेक्शन में इस तरीके से स्लीव्स को जो है प्लीट्स, छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते हुए जाना है। और ये ध्यान रखना है जो हमें प्लीट्स बनानी है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहनी चाहिए। जैसे आपने उन वाली स्लीव्स को अपने साइड में रखा है, तो जो इन वाली प्लीट्स हैं उनको आप उनके अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब हमने क्या है, हमारी स्लीव जो है तैयार है और हम अब इसको अपने ब्लाउज में है किस तरीके से लगाते हैं वैसे। आप चाहें तो इसकी फिटिंग लगाकर भी आप इसको लगा सकते हैं, मैंने फिटिंग अभी नहीं लगाई है। और बिना फिटिंग लगाए ही मैं सबसे पहले इसको स्लीव को जो है इस तरीके से लगा देती हूँ। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से हम स्लीव लगा देंगे। देखिए हम बीच से इसलिए लगाते हैं, पहले एक साइड इधर से जो है एक सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरी साइड वहीं से स्टार्ट करके वहां से लगाते हैं, और फिर पूरे में एक पक्की सिलाई लगाने के लिए एक बार फिर से इस तरीके से जो है स्लीव लगाते हैं हम। तो क्या है ना, हमारी स्लीव में जो मजबूती है वो भी बहुत अच्छे से आती है और स्लीव जो है हमारा बार बार फटने का या किसी और तरीके से जो है वो नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद ये देखिए स्लीव लग के रेडी है और हमने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन रेडी हुआ है। और ये इसका प्रॉपर ब्लाउज है, ये देखिए ब्लाउज इस तरीके का नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है। आपको अगर नेक डिज़ाइन का वीडियो चाहिए तो मैं चैनल पे डाल रखी हूँ, उसका लिंक हम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।